राधा की शादी को पूरे 9 साल हो चुके थे। वो अपने पति, 2 बच्चों और अपनी सास के साथ रहा करती थी। उसके बच्चों का नाम श्रेया और रोहन था और पति का नाम मुकुल था। राधा का ससुराल उसके मायके के पास ही था, इसीलिए वो अपने मायके अक्सर जाती रहती थी। पर अपने पति की नौकरी और बच्चों के स्कूल होने के कारण वो ज्यादा दिन नहीं रह पाती थी। एक दिन की बात है, वो किचन में सुबह का नाश्ता बना रही होती है। अरे सुनो, सब तैयार हुए कि नहीं? नाश्ता तैयार है। कितनी देर लगाते हो यार तुम भी, मैं जल्दी से अपना काम तो निपटाऊं फिर। मैं आ गया भाई, तुम्हारे बच्चों का पता नहीं। तुम्हारे नहीं है क्या? जरा कभी मेरी मदद भी कर दिया करो किचन में, कितना काम होता है यहाँ। तैयार होने में समय निकल जाता है राधा। ये बच्चे नहीं हुए क्या अभी तक तैयार? हमेशा के इनके यही काम है, फिर जल्दबाजी में नाश्ता भी नहीं करेंगे। जल्दी आओ, देर हो जाएगी। तुम भी ना राधा, हड़बड़ी में काम ठीक से नहीं होता। कोई नहीं, थोड़ा 5-10 मिनट ऊपर नीचे चलता है। तुम्हारा तो ठीक है, पर बच्चों के लिए देर हो जाती है, उनके स्कूल का गेट बंद हो जाता है। तुम भी न राधा, स्कूल बस नहीं आई अभी, गेट कैसे बंद हो जाएगा? आहा, मुझे मत सिखाओ, नाश्ता कर लो ढंग से, अभी सबके टिफिन पैक करने हैं मुझे। श्रेया, रोहन, जल्दी आओ बेटा। बस आ गए, लाओ जल्दी नाश्ता दो। हाँ हाँ, जल्दी खाओ, स्कूल बस आने ही वाली है। दोनों बच्चे स्कूल बस से स्कूल के लिए निकल जाते हैं। मुकुल भी अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी राधा की सास आती है। माँ जी, आप भी कर लीजिए नाश्ता, फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं, मुझे बाजार भी जाना है सामान खरीदने। चल लगा दे फिर। लीजिए माँ जी। अच्छा सुनो बहू, तुम बाजार जा रही हो ना? जी जी। मेरे ना घुटनों का दर्द फिर से शुरू हो गया है, तुम मेरे लिए जरा दवाई लेते आना। जी, मैं आते वक्त लेते आऊंगी। तभी फोन की घंटी बजती है। हेलो, हाँ बोल शर्मिला। हाँ राधा सुन, मेरे लिए रुके रहना, मुझे भी आना है बाजार, दोनों साथ में ही जाएंगी, बहुत सामान है यार घर का। ठीक है, मिलते हैं 10 बजे। चलो अब जल्दी से काम निपटा लेती हूँ। मेरी दवाई लाना मत भूलना बेटा। अरे माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आपकी दवाई पक्का ले आऊंगी मैं। और हाँ, दोनों उस पुराने रास्ते से मत आना, ठीक है? पर पुराने रास्ते से क्यों नहीं? आप हमेशा मना करती हैं, पर कभी बताती नहीं हैं। बेटा, वहाँ सालों से एक लड़की की आत्मा घूमती है, न जाने क्या दुश्मनी है उसकी सबसे। उस रास्ते में जो भी जाता है ना, कभी वापस नहीं आता। पर माँ जी। पर वर कुछ नहीं, उस रास्ते से मत आना बस। चलो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, देर हो रही है, घर में देख लूंगी। जी माँ जी। घर का सारा काम निपटाकर राधा बाजार के लिए निकल जाती है। गेट से बाहर निकलते ही राधा देखती है कि शर्मिला वहीं उसका इंतजार कर रही है। कितनी देर कर दी राधा, जल्दी चलो, फिर समय से घर भी तो आना है हमें। अरे हाँ, आ तो गई, बस चल। तेरी तो सास है घर पे, मुझे तो बच्चों को लेने भी जाना होता है स्कूल। हाँ हाँ। अच्छा सुन, उस पुराने वाले रास्ते से चलें क्या? अरे तू पागल हो गई है, जानती नहीं क्या वहाँ के बारे में? हाँ, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है, वो रास्ता सही था। यहाँ से कितनी दूर पड़ता है, आते वक्त आएंगे ना उधर से? ना ना ना, मुझे नहीं आना, बड़ा डर लगता है मुझे तो। तू भी ना, मजाक कर रही हूँ, वैसे भी मेरी सास ने तो बिल्कुल मना किया है। राधा और शर्मिला बाजार से सामान खरीद कर घर के लिए निकल जाती हैं। बाजार जाओ तो खर्चा ही खर्चा। अब क्या करें शर्मिला, जरूरी सामान तो लेना ही पड़ता है। बच्चों के अलग अलग डिमांड रोज रोज, स्कूल वाले भी तो न जाने क्या क्या मंगवाते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। दोनों बातें करते करते कब पुराने रास्ते की तरफ चली जाती हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। वो काफी दूर तक चले चली जाती हैं। अरे राधा, हम पुराने रास्ते पर आ गए हैं। क्या हुआ? कोई नहीं, जब इतना आ ही गए तो ऐसा करते हैं, इसी रास्ते से चलते हैं आज। ना ना राधा, वापस चल। अरे तू डरती क्यों है? मैं हूं ना। शर्मिला डरते डरते राधा के पीछे चलती है कि तभी अचानक राधा को रास्ते पर एक सुंदर सा कंगन दिखाई पड़ता है। अरे शर्मिला देखना, मुझे क्या मिला? कंगन है? कितना सुंदर है ये, किसका होगा? मुझे नहीं पता, पर ये है तो पक्का कि लोग आना जाना करते हैं यहाँ से, तभी तो किसी का कंगन भी छूटा है। हाँ, पर कोई यहाँ आता जाता दिखता नहीं है। अरे वो सब छोड़, सोने का होगा क्या ये? देखने से तो लगता है कि सोने का ही है। ऐसा करते हैं, घर ले जाते हैं, क्या कहती है, शायद कोई इसे ढूंढता हुआ मिल जाए। हाँ ये सही रहेगा। दोनों घर की ओर चलने लगती हैं। अचानक उन्हें लगता है जैसे कोई उनके पीछे आ रहा है।
वो पीछे देखती हैं तो कोई नहीं होता। राधा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जल्दी जल्दी चल। अरे तू डर मत, बस आगे आगे चलती रहे। कुछ तो है राधा, लोग सही कहते हैं यहाँ के बारे में। दोनों जल्दी जल्दी चलती हैं और पीछे मुड़कर भी नहीं देखती। जैसे तैसे दोनों घर पहुँच जाती हैं। राधा जब रात को सब सो जाते हैं तब उस कंगन को पहनकर अपने पति मुकुल को दिखाती है। ये देखो जी मुझे क्या मिला है। ये तो सोने का लगता है, तुम्हें कहाँ से मिला? वो बात ये है कि आज हम उस बाजार से आते वक्त पुराने रास्ते से आए तो मुझे ही रास्ते में पड़ा हुआ मिला। तुम इसे घर क्यों लाई? अरे देखो ना, सोने का लगता है, बहुत महंगा होगा। हाँ पर रास्ते की चीज नहीं उठानी चाहिए। अरे जरा सोचो, इसको बेचकर हम अपना सारा कर्जा चुका सकते हैं और जितने पैसे बचेंगे उसका हम कुछ और इस्तेमाल कर लेंगे। हम किसी और के कंगन को कैसे बेच सकते हैं राधा, ये गलत होगा। हमने चुराया थोड़ी है, मिला है, अभी हमारा ही हुआ ना। अच्छा अभी सो जाते हैं, कल देखते हैं इसका क्या करना है। राधा कंगन को तकिए के नीचे रखकर सो जाती है। अचानक आधी रात को जब उसकी नींद खुलती है तो उसे अजीब सा लगता है। उसे दीवार में किसी की छाया दिखती है। राधा घबरा जाती है। राधा देखती है कि कमरे में कोई नहीं है। फिर उसे कंगन की याद आती है, तब वो तकिए के नीचे देखती है तो कंगन वहाँ से गायब होता है। ये क्या, मैंने तो रात को कंगन यहीं पर रखा था, फिर कहाँ जा सकता है। अचानक उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। राधा मेरे कंगन को तूने हाथ कैसे लगाया, बोल। कौन है, किसका कंगन? मुझे तो ये रास्ते में पड़ा हुआ मिला था, मैंने नहीं चुराया है। मेरे कंगन को बेचने का विचार तेरे मन में आया कैसे? अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी। राधा अपने पति को जगाने की कोशिश करती है पर उसका पति नींद से जागता ही नहीं। राधा बहुत घबरा जाती है, वो चिल्लाने की कोशिश करती है पर उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। चुड़ैल राधा के बाल पकड़ लेती है और उसे घसीटते हुए वहीं ले जाती है जहां से राधा ने कंगन उठाया था। मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं पता था कि ये कंगन तुम्हारा होगा, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। पर तेरे मन में इसके प्रति लालच कैसे जागा? बेचने वाली थी ना तू उसको, तूने तो जरा भी नहीं सोचा कि अगर ये कंगन किसी का हुआ तो वो क्या करेगा। मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। सब लोग मुझसे इसलिए डरते हैं क्योंकि मैं गलत व्यक्ति को सजा देती हूँ, मैं इंसाफ करती हूँ। ये कंगन एक गरीब औरत का है, उसने अपने खून पसीने की कमाई से इसे खरीदा था। यहाँ से गुजर रही थी तो गलती से यहीं छूट गया। ये कंगन तुम्हारा नहीं है? नहीं, मैं तब से उस औरत का इंतजार कर रही हूँ कि अगर वो यहाँ इसे ढूंढते हुए आई तो मैं उसे लौटा दूंगी, पर तू इसे पहले ही ले गई। चुड़ैल राधा की बुरी हालत कर उसे छोड़ देती है। राधा जब बेढंग कपड़े और बिखरे हुए बाल लेकर घर पहुँचती है तो घर वाले सब उसे देख कर डर जाते हैं। अरे क्या हुआ राधा, तुम्हारी हालत किसने की? तुम्हारी इतनी बुरी हालत कैसे हुई, कुछ बताओगी? और वो कंगन कहाँ है जो तुमने मुझे कल रात को दिखाया था? राधा शर्म के मारे किसी को कुछ नहीं बताती और चुपचाप कमरे में चली जाती है। उसका पति कंगन और राधा के इस व्यवहार के बारे में सोचने लगता है।